कई बार अनजाने में आपके फोन से कई जरूरी ऐप डिलीट हो जाते हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में आपके सिर्फ ना कॉन्टैक्ट होते हैं बल्कि कई जरूरी मैसेजेस भी होते हैं। अगर सोचिए कि गलती से आपने अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया, ऊपर से आपने उन मैसेजेस का बैकअप भी ना लिया हो, तो क्या करेंगे आप? आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम आए हैं। नमस्कार, मैं हूं जोयता और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी टेकशाला। आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया है तो अपने पुराने चैट को किस तरह से रिकवर करें। दरअसल व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करने पर ऐप आपसे पूछता है रीस्टोर योर मैसेज हिस्ट्री, यानी कि व्हाट्सएप आपसे पूछता है कि क्या आप अपने पुराने चैट को रीस्टोर करना चाहते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। बता दें कि व्हाट्सएप आपके सिर्फ 7 दिनों तक की चैट हिस्ट्री को सेव करता है। ऐसे में अगर आप 7 दिन से ज़्यादा की चैट हिस्ट्री पाना चाहते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना होगा। इस तरह से आप अपने मनचाहे दिन का चैट बैकअप कर सकते हैं। अपने फ़ोन के SD कार्ड में व्हाट्सएप का बैकअप बना लें। SD कार्ड में आपको व्हाट्सएप के बनाए बैकअप में SD कार्ड /WhatsApp/database पर जाना होगा, जहां आपको कई फाइल्स दिखेंगी। यहां आपको messagestore.db.cryp फाइल सर्च करनी होगी। messagestore.db.cryp फाइल मिलने के बाद इसे messagestore.db.cryptold नाम से रीनेम कर दें। अब आपको डाटाबेस में तारीख या महीने के आधार पर अपनी उस फाइल को चुनना होगा जिसका बैकअप आप पाना चाहते हैं। फाइल को सिलेक्ट करके इसे दोबारा messagestore.db.cryptold नाम से रीनेम कर दें। इस प्रक्रिया के बाद अपने माइक्रो SD कार्ड को वापस फोन में लगा दें। व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप 7 दिन या उससे पहले की भी चैट हिस्ट्री को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज.in से।